दोस्तों हाथ से गई अब साख बचाने की जंग। पाकिस्तान को श्रीलंका से क्लीन स्वीप शिकस्त से बचने का चैलेंज। पाकिस्तान और श्रीलंका तीसरे और आखिरी T20 मैच में आज मध्य मुकाबल। कौमी टीम की शिकस्त भुलाकर नए अज़्म के साथ मैदान में उतरने की तैयारी। तीसरा T20 पिंक डे के नाम से मंसूब। कौन बचाएगा टीम की साख, किसको खिलाएं, किसे बाहर बिठाएं। मिसबाह हक के लिए टीम सिलेक्शन दर्दे सर बन गई। कौमी टीम में चार तब्दीलियां किए जाने का इम्कान। हारिस सुहेल, उस्मान शनवारी, मोहम्मद नवाज और इफ्तिखार अहमद को शामिल किए जाने पर गौर। उमर अकमल, अहमद शहजाद, मोहम्मद आमिर और शादाब खान को आराम देने पर मुशावरत। चौधरी शुगर मिल्स और मनुष्यात बरामदगी के मुकदमात पर समाअत आज होगी। चौधरी शुगर मिल केस में मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत में पेश किया जाएगा, जबकि मनुष्यात बरामदगी केस में राणा सनाउल्ला की इंसदादे मनुष्यात अदालत में पेशी आज होगी। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर और बाहर पुलिस की भारी नफरी तायुना। सलमान शहबाज की जायदाद कुर्की का मामला। सलमान शहबाज की जायदाद जब्त करने की दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। एहतसाब के जज अमीर मोहम्मद खान आज नैब की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अदालत ने जायदाद कुर्की से मुतालिका इदारों को आगाह करने का हुक्म दे रखा है। नैब ने सलमान शहबाज की जायदाद जब्त करने इश्तेहारी करार देने की इस्तेदा कर रखी है। हमजा शहबाज को चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ना बनाने का रंज। गिरफ्तार लीगी अरकीन के प्रोडक्शन ऑर्डर्स जारी ना करने का गम। अपोजिशन का सबर जवाब दे गया। नून लीग का पंजाब असेंबली की स्टैंडिंग कमेटी से मुस्ताफी होने का फैसला। शहबाज शरीफ ने पार्टी का अहम इजलास आज तलब कर लिया। आजादी मार्च समेत सियासी उमूर पर मुशावरत होगी। मॉडल फातिमा सुहेल पर तशद्दुद और धमकियां देने का मामला। अदाकार मोहसिन अब्बास की अबूरी जमानत पर समाअत आज होगी। एडिशनल सेशन जज अदाकार मोहसिन अब्बास की दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। मॉडल फातिमा सुहेल ने मोहसिन अब्बास पर थाना डिफेंसी में मुकदमा दर्ज करवा रखा है। सेशन कोर्ट में अदाकारा मीरा के तकसीब निकाह की दरख्वास्त। एडिशनल सेशन जज अदनान तारिक दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। अतीकुर रहमान से मैंने निकाह नहीं किया। अदालत फैमिली कोर्ट का फैसला कलदम करार देने का हुक्म दे। अदाकार मीरा की इस्तदा। ऑल पंजाब माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन के डेप्यूटी कमिश्नर से मुजाकरात कामयाब। मुलाजमीन ने दो रोज से जारी धरना खत्म कर दिया, घरों को रवाना। इससे कबल मुजाकरात के दौरान धरना मुजाहिरीन दो धड़ों में तकसीम हो गए थे। माँ बच्चा सेहत प्रोग्राम के मुलाजमीन को जल्द तनख्वाहें मिल जाएंगी। मुस्तकिल करने पर PSC पास करने वालों के साथ ना इंसाफी होगी। यंग डॉक्टर्स एहतजाज जरूर करेंगे मगर मरीजों के इलाज पर असरअंदाज ना हो। कैंसर के किसी मरीज की दवाई नहीं रुकेगी। वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की लाहौर न्यूज के प्रोग्राम टॉप स्टोरी में गुफ्तगू। जहरीला पानी फेंकने वाली फैक्ट्रियों के गिर्द घेरा तंग। जुम्मे से फैक्ट्रीज के खिलाफ बाकायदा कार्रवाई का फैसला। PHA की नाकिस कारकर्दगी पर चेयरमैन जुडिशियल वाटर कमीशन बरहम। वाटर टैंक फाल ना होने पर डायरेक्टर ओवैस इकबाल की सरजनिश। 15 रोज में वाटर टैंक फाल करने की यकीन दहानी। PHA को वाटर फाल करने के लिए एक हफ्ते की डेडलाइन। खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंदिया। जुडिशियल वाटर कमीशन का इजलास। महकमान की जानिब से अपनी कारकर्दगी रिपोर्ट पेश। महकमे औकाफ की दाता दरबार से मुलहिका वाटर टैंक की तामीर 20 अक्टूबर से शुरू करने का ऐलान। खामोश कातिल डेंगी मच्छर के वार, मजीद 9 शहरी शिकार। शहर में तस्दीकशुदा मरीजों की तादाद 218 हो गई। आउटडोर सर्विलेंस में 149 मकामात से डेंगी लार्वा बरामद। खिलाफ वर्जी पर मुकदमा दर्ज। DC असगर जोया का गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कोट लखपत का दौरा। DC ने तालिबात को डेंगी से मुतालिक लेक्चर दिया। APS स्कूल मॉडल टाउन में सेमिनार में शिरकत। तलबा को डेंगी से मुतालिक लेक्चर दिया। महकमा माहौलियात की एंटी डेंगी मुहिम। टायर शॉप, जेरे तामीर मनसूबों, गोदामों और कबाड़खानों का मुआयना। 7 मकामात से डेंगी लार्वा मिलने पर मुकदमा दर्ज।
कैनाल रोड के 19 अंडरपासेस को लशपश करने का प्लान। अंडरपासेस की खूबसूरती की जिम्मेदारी पीटीसीएल ने ले ली। एलडीए और पीटीसीएल में मुआहदा, प्रोजेक्ट पर 6 करोड़ रुपए की लागत आएगी। तकरीब में वज़ीरे आला पंजाब उस्मान बुज़दार की बतौर मेहमान खसूसी शिरकत। शहरियों को खूबसूरती पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। वज़ीरे आला पंजाब की गुफ्तगू। मौलाना को मार्च की आजादी है, तोड़ फोड़ की नहीं। कश्मीर कमेटी की चेयरमैनशिप ना मिलने पर फजलुर रहमान की मईशत खराब हो गई। अब मईशत की बेहतरी के लिए चंदा मांग रहे हैं। आजादी मार्च का मकसद मसला कश्मीर से तवज्जो हटाना है। सूबाई वजीर मियां असलम इकबाल के ओपोजिशन पर लफ्जी वार। अलहमरा में टाफ्टा के जेर तमाम ड्राइविंग लाइसेंस देने की तकरीब। 600 तलबा ड्राइविंग कोर्स में पास। सूबाई वजीर इतलात ने तलबा में ड्राइविंग लाइसेंस और असना तकसीम की। किसी एहतजाज से हुकूमत को कोई खतरा नहीं। मौलाना का एहतजाज आवाम दुश्मनी है, वो नाकाम होंगे। इमरान खान की कयादत में मुल्क तरक्की की राह पर गामजन हो रहा है। गवर्नर पंजाब की जहांगीर तरीन से गुफ्तगू। आजादी मार्च समेत दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। जहांगीर तरीन की साबिक वजीर जंगलात सिप्तान खान से भी मुलाकात। रिहाई पर मुबारकबाद दी। मेरा दामन साफ था, अपनी बेगुनाही साबित की। अदालत से इंसाफ मिला, इदारों पर एतमाद रखने वाले मुल्क ही तरक्की करते हैं। सिप्तान खान की गुफ्तगू। मुझ पर बेबुनियाद केस बनाया गया। सिप्तान खान। हमारे बुजुर्गों ने आज़ादी बजरिया वोट हासिल की। अक्वामे मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर मुतनाज़ इशू है। मसला कश्मीर के हवाले से यूएन की करारदादों पर अमल दरामद होना चाहिए। चेयरमैन कश्मीर कमेटी फ़खर इमाम का पंजाब यूनिवर्सिटी में कश्मीर कॉन्फ्रेंस से खिताब। सेमिनार में साबिक गवर्नर पंजाब खालिद मकबूल, वाइस चांसलर डॉक्टर नियाज अहमद की शिरकत। डॉक्टर नियाज अहमद बोले, मसला कश्मीर पर वज़ीर आज़म ने अक्वामे मुत्तहिदा में अहम और वाज़ेह मौक़िफ़ पेश किया। हजरत दाता गंज बख्श के 976वें उर्स की तैयारियां। चेयरमैन मजहबी उमूर कमेटी दाता दरबार नजीर चौहान की जेर सदारत अहम इजलास। डेप्टी कमिश्नर और दीगर आला हुकाम की शिरकत। 2000 से जायद जवान उर्स पर सिक्योरिटी ड्यूटी देंगे। 750 वार्डन्स ट्रैफिक कंट्रोल करेंगे। हुकाम की ब्रीफिंग। जायरीन की सहूलत के लिए बेहतरीन इकदाम करेंगे नजीर अहमद चौहान। लोगों को आगाही देने के लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी होनी चाहिए। सूरज 10 माह रहता है, हम इससे बहुत फायदा उठा सकते हैं। शहरियों ने सोलर पर पैसे लगाए मगर इसकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी। सूबाई वजीर तवानाई डॉक्टर अख्तर मलिक का रॉयल फॉर्म में तवानाई के बहरान पर काबू पाने से मुतल्लिक सेमिनार से खिताब। शहर का मौसम आज गर्म और खुश्क रहेगा। हवा की रफ्तार 10 किलोमीटर फी घंटा। नमी का तनासुब 47% रिकॉर्ड। मौसम के हवाल बताने वालों के मुताबिक आज कम से कम दर्जा हरारत 19, ज्यादा से ज्यादा 33 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान। और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में डाक काल में दिन आज मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद अवाम में डाक की अफादियत से मुतालिक आगाही फराहम करना है। मुल्क भर में डाक की अफादियत के मुतालिक आगाही वॉक, सेमिनार्स और मुजाकरों का एहतमाम किया जाएगा।